डियर स्टूडेंट्स ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ फॉर लेक्चर नंबर थर्टीन ए असल में मैंने लेक्चर थर्टीन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ए बी एंड सी बी और सी में इंशाल्लाह ताला हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे लेकिन ये जो थर्टीन ए है इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने हैं जो बी और सी पार्ट में यूज होंगे ताकि आपकी बैकग्राउंड भी यहाँ बन जाए और वो जो एप्लीकेशन है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग इसी लेक्चर के अंदर ही हो जाए तो स्टार्ट करते हैं रिजल्ट नंबर वन ये देखें जी लिखा हुआ है थ्री इंपॉर्टेंट रिजल्ट और इसमें रिजल्ट नंबर वन को हम स्टार्ट करने लगे हैं पहले मैं इसको रीड कर देता हूं वो कहता है यू और वी आपके पास जो है वैक्टर्स है ठीक है जी वो कहता है जो मैग्नीट्यूड होगा ना यू क्रॉसवी का आपको पता है क्रॉस पॉड जो होता है दो वैक्टर्स का वो एक वैक्टर ही होता है और मैग्नीट्यूड जो होता है किसी वैक्टर का वो उस वैक्टर की लेंथ होती है ठीक है जी तो U क्रॉस V की लेंथ कह लें या U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा जी एरिया ऑफ द पेरलोग्राम स्पैंड या जनरेटेड बाय द वेक्टर्स u एंड v एज शोन बिलो ये देखें जी ये है जी पैरेललोग्राम ये तो पता ही आपको चार साइडेड वाली में जो फिगर होती है लेकिन जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो ना सिर्फ पैरेलल होती हैं उनकी लेंथ भी सेम होती है वो होता है जी पैरेललोग्राम ये जो आपके पास दो ऑपोजिट साइड्स नजर आ रही हैं दोनों के लॉन्ग वेक्टर u है और ये भी आपको पता है कि जब एक वेक्टर यहां मैंने ड्रा कर दिया u उसके पैरेलल

तो ये बन गया जी आपके पास अब इस का जो एरिया है जिसमें भी शामिल है और ये ये जो जो डॉटेड पोर्शन है, है है वो कहता है ये वाला जो एरिया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉसवी दैट इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ यू v या लेंथ ऑफ यू v। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट लेकिन अभी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हो गया अब मैं वही बात कहता हूं कि मैं कोई फेवर नहीं कर रहा लेकिन ये बहुत जरूरी है बजाय ये कह अच्छा जी यू क्रॉस भी आपने पहले पढ़ा हुआ है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो एरिया ऑफ द पैराग्राम होता है ऐसा पैराग्राम जिसके एक साइड के यू है और जो दूसरी नॉन पैरल साइड है उसके लॉन्ग वी है तो बात फिर बनती ही नहीं है कोई रट्टा सा बन जाता है इसलिए समझ लेना चाहिए आए समझने की कोशिश करते हैं ये पेज सिक्स जो है ये आपकी बुक है बुक के पेज सिक्स पे भी ये किया हुआ है इतनी डिटेल में शायद वहां पर नहीं है लेकिन वहां पर भी किया हुआ है अब ये आपको पता है कि जब आप यू क्रॉस वी करते हैं तो मैंने ये बताया था कि जो एक वैक्टर यू है पहला वाला जो पहला वैक्टर यू है इसके अलॉन्ग आप राइट right हैंड को बेशक खोल लें और उसके अलावा टन कलें अपनी फिंगर्स टू वर्ड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी वेक्टर वी की तरफ अपनी फिंगर्स को कल करें जो आपका थंब होगा ना राइट right हैंड का थंब वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ यू क्रॉस वी और वो एन की डायरेक्शन होगी और एन साहब असल में यूनिट नॉर्मल है यूनिट इसलिए कि उसकी लेंथ वन है नॉर्मल इसलिए कि ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग यू एंड बी यानी ये जो स्क्रीन आपके सामने है इसी के परपेंडिकुलर है इस असल में तो ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है लेकिन यहां पे नजर आ रहा है जैसे उसके अंदर बना हुआ है लेकिन आउट ऑफ ऑफ द द प्लेन स्क्रीन है ये वाली चीज आपके पास है ठीक है जी अच्छा अब जो एरिया होता है पेरोलोग्राम का वो होता है लेंथ ऑफ द बेस ये देखें ये बेस है यानी कि वेक्टर यू की लेंथ ये शो की हुई है इसके अलावा यहां बनाया हुआ है इनटू हाइट हाइट से मुराद है ये वाली हाइट अब ये वाली हाइट क्या है ये वाली हाइट ये है कि यहां पे देख लें ये वर्टेक्स ले लें या ये वाली साइड ले लें यहां से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करना है ये स्लॉंट हाइट की बात नहीं मैं कर रहा स्लॉंट हाइट की बात नहीं कर रहा ये वर्टिकल हाइट ठीक है जी यानी कि ये वाली साइड और ये वाली पैरल साइड इनके दरम्यान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये हाइट ठीक हो गया जी और ये आपको पता है कि रिकॉल करें अगर ये आपके पास लेंथ आर हो ये हाइपोटेनस टाइप है ना ये देखें ना राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ ये देखें

क्योंकि अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो ये तो ऊपर वाली साइड नीचे आगे रहेगी इसका तो एरिया ही जीरो हो जाएगा लेकिन फिर भी सेंस बनती है कि जी ऐसा पैरोग्राम उसका फिर एरिया जीरो है और ऐसे पैराग्राम से क्या मुराद है यानी कि यूर वी के दौरान अगर एंगल या तो आपके पास हो जाए जीरो या फिर हो जाए पाई ठीक है जी और अगर ये दिमाग में आ रहा है जी पाई है तो फिर भी कोलैप्स हो जाएगा यानी कि ठक करके नीचे आके लगेगा बिल्कुल लगेगा ये देखें जी ये थीटा बना हुआ है और आगे ले जाए और आगे ले जाए और आगे ले जाए जब ये बिल्कुल इधर पहुंच जाएगा

इसीलिए यहां पे इसकी एबसुलट वैल्यू नहीं ली लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड लेते हैं या लेंथ क्योंकि u क्रॉस v वेक्टर है तो लेंथ तो आपने वेक्टर की लेनी है ये तो नंबर है ये एज इट इज है ये नंबर है ये भी एज इट इज है ये भी पॉजिटिव नंबर है एज इट इज है पॉजिटिव नंबर मैं ये कह रहा हूं कि मान ले लेके जीरो भी नहीं है तो पाई भी नहीं है सीटा इसकी लेंथ तो मान है तो ये रह गया ना तो यहां पर देख लें u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर है लेकिन ये चीज ही है जो कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है ये तो प्रूव किया था ना लेंथ ऑफ द बेस ये वाली चीज थी ये वाली चीज के लेंथ और जो हाइट थी वो थी वेक्टर v की लेंथ sin थीटा वो ये वाली चीज थी और ये वाली चीज जो है ये मैग्नीट्यूड है u क्रॉस v का और ये वाली जो चीज है ये मैग्नीट्यूड बनता है u क्रॉस v का ठीक हो गया जी अब जो चीज दिमाग में बिठाने वाली है ये सारा समझाने के बाद ये एन को छोड़ दें बाकी जो हिस्सा बनता है ये जो ए लिखा हुआ है दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ द पैरलोग्राम जिसके एक साइड के लॉन्ग यू है और दूसरी जो नॉन पैरल साइड है जो कि यू के पैरल नहीं है उसके लॉन्ग वी है ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यानी कि जो यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड है दैट इज द एरिया ऑफ द पेरोग्राम स्पैंड यू एंड यानी कि जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, उनके अलोंग u और v वेक्टर्स मौजूद है ठीक है जी सिर्फ मौजूद ही नहीं है लेंथ भी उतनी है u की लेंथ भी उतनी है जो कि साइड की लेंथ है v की लेंथ भी उतनी है जो इस साइड की लेंथ है ये हो गया जी आपका पहला रिजल्ट अब चलते हैं हम अगले रिजल्ट की तरफ रिजल्ट टू कहता है कि ये जो आपके पास ट्रिपल स्केलर प्रॉट है u क्रॉस v का डॉट w के साथ अच्छा देखें इसमें पहले स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं जी कि जब आप हाँ कहते हैं जी ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट तो यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू क्यों नहीं होता देखें उसकी सेंस नहीं बनती यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू की सेंस नहीं बनती। कि देखें यू डॉट वी तो आपके पास क्या आएगा वो तो स्केलर हो जाएगा लेकिन स्केलर डॉट डब्ल्यू क्या हुआ वो तो वेक्टर बन जाएगा लेकिन जो आपके पास ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होता है वो ओवरऑल एक स्केलर क्वांटिटी होती है बिल्कुल इसी तरह जैसे स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का हो स्केलर क्वांटिटी होती है ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होती है ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है ताकि ये ना रहा है उसके बाद डॉट प्रोडक्ट आ रहा है कहते हैं इसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये है कहता जी वॉल्यूम ऑफ अ पैरलो पाइपिट अब ये पैरोलो पाइपिट क्या है वही बॉक्स है ये लिखा हुआ है पैरलो पाइपिट इज अ बॉक्स विद ऑल फेसेस पैरेललोग्राम्स पैरेललोग्राम आपने पढ़ लिया ना अभी आपने पैरेललोग्राम पढ़ा है इसके छह फेस होते हैं छह के छह फेस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं फिर सुन ले

वो ये है बल्कि ये देख लें ये पेरलोग्राम बना हुआ है ये जो बेस वाला है ये पेरोलोग्राम बना हुआ एक है एक के लॉन्ग यू है एक लॉन्ग वी है जैसे आपने पिछली स्लाइड पे देखा था लेकिन अगर ये रेड वाला है तो फिर इसके लॉन्ग वी होगा होगा क्योंकि सबकी लेंथ भी सेम है डायरेक्शन भी सेम है अब रह गया जी तीसरे वाला ये एक एच थी जिसके लॉन्ग यू था ये दूसरी एच थी जिसके लॉन्ग वी था ये तीसरी है जिसके लॉन्ग डब्ल्यू है ये लें जी ये ग्रीन वाला अगर इसके लॉन्ग डब्ल्यू है तो फिर इसके लॉन्ग भी डब्ल्यू होगा इसके अलग भी डब्ल्यू होगा इसके लॉन्ग भी डब्ल्यू होगा ये आपके पास ग्रीन कलर की चार एजेस हैं जिनके अलॉन्ग डब्ल्यू है आपके पास रेड कलर की चार एजेस हैं जिसके अलोंग v है आपके पास ब्लैक कलर की चार एजेस हैं जिनके अलोंग u है अब अगर सिक्स फेसेस देखने हैं तो ये ध्यान से देखें एक तो ये फेस है ध्यान से देखें जिसके अलोंग मैंने ये कर्सर रखा कर्सर जिसके गिर्द घुमाया है या मतलब कि लेके गया हूं ये एक फेस हो गया इसके फ्रंट पे ये वाला बनता है दो गए ये टॉप फेस हो गया ये तीसरा है ये टॉप फेस हो गया और इसके नीचे ये बेस ये चौथा है ठीक है जी ये चौथा है ये, चौथ ये चीज है ये वाला पांचवा ये देख लीजिए राइट हैंड वाला ये पांचवा है और लेफ्ट हैंड वाला ये है ये ले मैंने बता तो दिया क्योंकि असल मसला सारा की थ्री डी में बनी हुई फिगर थ्री डिमेंशनल फिगर है लेकिन टू डिमेंशन में इसका इमेज लिया हुआ है तो आप डब्बा देख सकते हैं मतलब है कि अगर ऐसा डब्बा है जिसके मतलब है कि रेक्टेंगल्स बने हुए हैं तो जरा थोड़ा सा टेढ़ा करके देख वो होगा बैरल अब मसला सारा इसकी वॉल्यूम क्या है ये है जी बेस जो सारा डॉटेड है इसका एरिया अब ये आपको पता है पैरल है अभी आपने पढ़ा है जी कि एरिया ऑफ द बेस क्या होता है अगर यहां पे वेक्टर u है और ये v है तो u क्रॉस v का जो मैग्नीट्यूड होगा ये डायरेक्ट लिखा गया देखे इस तरह देखें कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको अच्छा जी रटा लगा है नहीं जी अभी मैंने पिछली स्लाइड में प्रूफ किया वो यहां करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसको देख लें कि जो आपके पास बेस एरिया असल में जो बेस है आपके पास वो पेरोलोग्राम है एक साइड के लॉन्ग यू वैक्टर है दूसरी साइड जो नॉन है यू के उसके लॉन्ग वी वैक्टर है तो यू क्रॉसवी का जो मैग्नीट्यूड है वो बेस एरिया बनता है ये इसका ठीक है जी ये बेस एरिया इस पेरलोग्राम का एरिया ये बनता है बेस एरिया भी यही बनता है हाइट हाइट ये बनती है ये जो टॉप वाला फेस है यहां से परपेंडिकुलर नीचे फेंके या परपेंडिकुलर नीचे इस बेस वाले फेस पे फेंके ये भी ठीक है ये हाइट है अब इस हाइट को कैसे निकाला जाए यहां से देखें अब देख लें कॉन्सेप्ट फ्लियर होना जरूरी है जब यू क्रॉस वी करते हैं तो ये वाला वेक्टर बनता है यू क्रॉस वी ये मैंने पिछली स्लाइड बताया था ये वैसे तो यूनिट नॉर्मल इसके नॉर्मलोंग होता है लेकिन ये यू क्रॉस वी की डायरेक्शन ही दे रहा होता है तो यू क्रॉस वी सब तो यहां चले गए ठीक हो गया जी ये एंगल डेल्टा ले लें जो कि यू क्रॉस वी और डब्ल्यू के दरमियान है क्योंकि यू क्रॉस वी भी वैक्टर है ठीक हो गया जी अब ये है जी डेल्टा ये है जी डब्ल्यू वैक्टर और ये सामने वाली साइड डेल्टा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर तो ये तो बेस हुआ ना ये बेस हुआ वहां पे आपके पास डब्ल्यू वैक्टर की लेंथ टाइम्स कॉज ऑफ डेल्टा है कॉज ऑफ डेल्टा ये सामने वाली जो चीज है ये देख लें ये वाला जो वैक्टर है इसकी लेंथ टाइम्स कॉज ऑफ डेल्टा तो ये हाइट आपके पास आ गई ये वाली या ये वाली या ये वाली ये ये वही लिखा हुआ है ना लेंथ ऑफ द वेक्टर w टाइम्स कॉज ऑफ डेल्टा अब ये सारे का सारा क्या है ये सारे का सारा ये u क्रॉस v डॉट w है कैसे कह सकते हैं डॉट डॉट का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर यानी कि u क्रॉस v की लेंथ लेंथ ऑफ द सेकंड वेक्टर यानी कि w की लेंथ टाइम्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम और w और u क्रॉस v के दरमियान जो एंगल है वो डेल्टा है यहां देख लें इसलिए कॉस डेल्टा लिखा हो फिर देख लें ये W और U क्रॉस V के दरमियान जो एंगल है वो डेल्टा है तभी यहाँ पे कॉस डेल्टा आ रहा है ये सारी चीज U क्रॉस V डॉट W बनती है और वैसे ये बन जाती है वॉल्यूम ऑफ द एज एज शोन अबव यहां लिखा हो मैंने बोल दिया तो उम्मीद है पता लग गया होगा मसला हुआ तो इसको दोबारा सुन लीजिएगा फिर भी हुआ तो पूछ लीजिएगा ये आपकी बुक के पेज एट पे भी एक्सप्लेन हुआ हुआ है ठीक हो गया जी अब चलते हैं थर्ड की तरफ देखें यहां पे तो लिखा हुआ है ट्राई द फॉलोइंग वो कहता है है टी आपके पास टेंसर ऑफ ऑर्डर अब ये सारी चीजें टिप्स होनी चाहिए देखें इसी कोर्स के अंदर से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है ठीक है जी अगर दिमाग से निकला हुआ है तो देखें कहां पे पढ़ाया गया था कार्टिजन टेंसर ऑफ ऑर्डर टू और उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए यहां तक तो पहुंचने के बाद दिमाग से निकल गया होगा ए भी आपके पास फैक्टर्स है तो ये प्रूव करना है अब जरा इसको ध्यान से देखें ये आपके पास जो टेंसर है इसका ट्रांसपोज है और टेंसर के नीचे टिल्डा लगाना जरूरी है ये आपके पास टेंसर है और ये ए वेक्टर है ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये टेंसर प्रोडक्ट नहीं है ये क्रॉस प्रोडक्ट है और यहां पे टेंसर है यहां पे वेक्टर बी है ये होगा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द टेंसर ए क्रॉस बी ये फार्मूला मैंने आगे जाके यूज करना है घबराने की जरूरत नहीं है रट्टा नहीं लगा रहे हम यहां पे इसको समझेंगे इसका प्रूफ करना है वैसे ये है कि जब इसको यूज करेंगे तो वहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं है फार्मूले को जरा समझें अगर यहां पे एक टेंसर है जो ए से मल्टीप्लाइड है ए वेक्टर से मेरी बुरा पे भी वही टेंसर है जो बी वेक्टर से मल्टीप्लाइड है और यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और बाहर उसी टेंसर का ट्रांसपोज है तो ये सारी चीज बनती है ऑफ द टेंसर टाइम्स ए ए क्रॉस बी ये वाला A और ये बी ये बनती है डिटर्मिनेट ऑफ द टेंसर टाइम्स ए क्रॉस बी ठीक हो गया जी और आप पहली चीज समझ लें पहले राइट हैंड साइड को देखें डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है ए क्रॉस बी वेक्टर होता है

अगर आपके पास ये टेंसर है सात वेक्टर है उसका तो आई कंपोनेंट है वो इसके बराबर होता है ये सारी चीजें पहले की हुई है अगर नहीं पता तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी लेकिन प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए नहीं पता तो देख रहे है। ये कहां मैंने करवाया था मैं अभी रेफरेंस भी आपको दूंगा लेकिन पहली चीज ये समझ लें कि ये जो आपके पास है सिचुएशन ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेक्टर है राइट हैंड साइड पे वेक्टर है वो तो नजर आ रहा है राइट हैंड साइड तो सिंपल है एक क्रॉस भी तो वेक्टर ही होता है लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी की सारी चीज वेक्टर है जब टेंसर को किसी वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं तो वैक्टर आता है किस टेंसर को किसी वेक्टर पर ऑपरेट करें तो वेक्टर आता है और दो प्रोडक्ट हो गया वही वाली बात वेक्टर तो है है का आईथ कंपोनेंट लेंगे और प्रूफ करेंगे वो दूसरे वेक्टर के आई कंपोनेंट के बराबर है फिर सुन लेफ्ट ले जो वेक्टर है इसका आईथ कंपोनेंट लेंगे और प्रूफ करेंगे जो राइट हैंड साइड वाला वेक्टर है उसके वो आईथ कंपोनेंट के बराबर है इस तरह प्रूफ करेंगे आपने पहले भी किया अच्छा अब जरा मैं नहीं चाहता है टी आई जी ये आपने किया ये आपने किया और मैंने आपको कहा था कि मैं इसका रेफरेंस दूंगा किसका रेफरेंस दूंगा इसका ये वाला और इसका जो आपके पास रेफरेंस है ना वो बन जाता है आपके पास स्लाइड नंबर फोर लेक्चर नंबर फाइव फिर सुन लें स्लाइड नंबर फोर लेक्चर नंबर फाइव इसके अलावा स्लाइड नंबर सिक्स लेक्चर नंबर ट्वेल्व इसके अलावा स्लाइड नंबर सिक्स लेक्चर नंबर ट्वेल्व और ये देखें अब तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए ये तो आपको वैसे ही कर लेना चाहिए ये जो टेंसर है इसको लिखते हैं हम टी आई जे ई आई टेंसर ईजे फिर सुने टी आई जे ई आई टेंसर ईजे अब अगर दिमाग में निकल गया जी हैं जी ये कैसे लिखते हैं तो जी उसका भी रेफरेंस मौजूद है उसका भी आपके पास रेफरेंस मौजूद है कि कैसे लिखते हैं जी टी आई जे टेंसर लेक्चर नंबर फाइव में लेक्चर नंबर फाइव में इसको लिखें टी आई जे ई आई टेंसर ई जे ठीक हो गया जी और यू पे ऑपरेट कर दें यू पे ऑपरेट कर दें ये आई भूल जाए फिलहाल मैं जुबानी बोल रहा हूं लिख के करना लिख के कर ले मैं ऐसा बोलता हूं इसको लिखें टी आई जे ई आई टेंसर ई जे और यू पे ऑपरेट होगा और ई आईट एंसर ई जे जब यू पे ऑपरेट होगा तो ई आई सेपरेट हो जाएगा और ई जे का डॉट प्रोडक्ट प्रोटे होगा अब आप कहेंगे ये कहां से आ गया जहां पे आपने टेंसर प्लॉट पढ़ा था जहां पे आपने टेंसर प्लॉट पढ़ा था ये उसकी प्रॉपर्टी है यानी कि आप करते होते हैं ए टेंसर बी ऑपरेटिंग ऑन यू तो वो बन जाता है आपके पास ए सेपरेट होता है और बी डॉट यू होता है ये मैंने अब जुबानी बोला है ठीक है जी ए टेंसर बी ऑपरेटिंग ऑन यू होता है ए सेपरेट होता है बी डॉट यू होता है तो पहल टी को मैंने कहा था आप लिखें टी आई जे आई टेंसर और उसको यू पे ऑपरेट करते हैं। जब ई आई टेंसर ई जे यू ऑपरेट होगा तो ई जे डॉट यू हो जाएगा और वो बन जाएगा यूजे ये लिखा हुआ यहां नजर आ रहा है और टी आई जे तो पहले आया हुआ था क्योंकि आपने लिखा था टी आई जे ई आईटेंसर ईजे तो ई जे जब आपके पास डॉट वोट लेगा यू से तो वह यूजे हो जाएगा

देखें एक तो रटा लगाया जा सकता है अच्छा जी ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे आई जी है तो उसको जे आई कर दें लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी भी लॉजिक समझ लें और ये लिख के किया करें क्योंकि यहां पे तो मैंने डायरेक्ट लगाना है ये नहीं की डायरेक्ट लगाने से रटा यहां से लगाया और यहाँ पे लिख दिया नो इसको आप टी ट्रांसपोज है ना देखें ट्रांसपोज मैंने मैंने कराया हुआ है आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं पीछे जाके पे कहा ट्रांसपोज कराया हुआ है लेकिन एक चीज जो मैंने बताई थी कि अगर आप

तो इस तरह से ये बन जाता है ये फार्मूला भी बन जाता है मैंने ऐसा ही बोला है इसको भी आप लिख के कर लीजिएगा अब ये इधर हमने देखना है इसका इथ कंपोनेंट क्या है जो कि यहां पर देख लें इसके बराबर लिखा हुआ ये ध्यान से देख लें कैसे किया हुआ है पहले इसको देखें बल्कि इसको देखें यहां पर ट्रांसपोज है ये जो चीज आपके पास आ रही है ना दिस वन यहां पर देख लें सबसे पहले यहां पर देख लें टी ट्रांसपोज है तो यहां पर टी जे आई लिखा हुआ है ठीक हो गया जी अब यहां पे टी ट्रांसपोज है यहां पर टी के आई उससे फर्क नहीं पड़ता जे जो आपके पास है इसको कहते हैं जी डमी इंडेक्स जिसपे समेशन होती है ये भी लेक्चर नंबर वन में था जे और जे लिखें या के और के लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता असल चीज है इसका कंपोनेंट क्या है है यहां पे देख लें जो आपके पास समेशन इंडेक्स होता है, वो आपके पास गायब हो जाता है एक तरह से यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर चीज आ रही है वहां नहीं नजर आ रहा वहां पर तो आई नजर आ रहा है जो इसका इथ कंपोनेंट है बैरल इसका आम्पोनेंट इना है तो यहां पर देख लें इसको लिखा हुआ है जी जैसे यहां पे आपके पास था ट्रांसपोर्स ऑफ द टेंसर और ये आपके पास यू पे पेरेट हो रहा था इसका आईथ कंपोनेंट लिया था तो टी जे आई यू जे था तो यहां पे देख लें टेंसर का जे आई कंपोनेंट तो टेंसर का के आई कंपोनेंट ठीक है जी और इसी तरह से ये जो वेक्टर है इसका जेथ कम्पोनेंट रटाई लगाना ये मैंने आपको जुबानी प्रूफ बताया करवाया भी हुआ है और मैंने रेफरेंस भी आपको दिया वहां से भी देख लीजिएगा कर भी लीजिएगा लेकिन वेक्टर का जेथ कंपोनेंट जो जे यहां पे वही जे यहां पे तो यहां पे आपके पास ये सारा वेक्टर है टी ए क्रॉस टी बी उसका फिर आएगा जो के यहां पे वही के यहां पे फिर देख लें इसको यहां पे जे ही आ रहा है ना तो यहां पे के ही आ रहा है अगर यहां पे के और के है उससे कंफ्यूज नहीं होना बेशक यहां पे जे और जे हो जाए या के और के हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आ रही है कि यहां पर देख लें जब कोई

जो लेक्चर नंबर वन है वहां पे आपने क्रॉस किया था और इसका जो केथ कंपोनेंट है है वो ये बनता के पी क्यू पीथ कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ऑफ द द फर्स्ट वेक्टर वेक्टर एंड क्यूथ सेकंड अब देखें ये रटे नहीं है ये चीजें समझने वाली है ये सारा लेक्चर नंबर वन है अगर आपको आता है तो ये कोई मसला नहीं है अगर वही कंफ्यूज कर गया पता ना खसता फिर ये प्रॉब्लम देगा फिर भी मैं थोड़ा सा यहां आपको बता देता हूं कि जब आप लिख रहे होते हैं यू क्रॉस पी को ऐसा बोल रहा हूँ लिखना तो लिख लें डिटेल आपकी लेक्चर नंबर वन में यू क्रॉस वी को आप लिख सकते हैं एपसलन के पी क्यू P वी क्यू ई के या यू कर Q पी कंपोनेंट ऑफ यू क्यूथ कंपोनेंट ऑफ वी एंड ई के तो अब K कंपोनेंट फिर क्या हो जाएगा K कंपोनेंट हो जाएगा यू क्रॉस वी का एप्सलन के पी क्यू P वी क्यू उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से अब इसका केथ कंपोनेंट 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 क्या क्या है के पी क्यू ये टी 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 एस एस आपका आपका पीथ पीथ का क्यूथ अब होगा हो वो यहां से आ रहा है आईथ कंपोनेंट कैसे आया था ये आई इंडेक्स यहां पे था यहां पे जे और जे देखें ये नहीं लगाना ये तो मैं अब टेक्निक बता रहा हूं मैंने इसकी डायरेक्शन आपको करवाई है अभी बताई भी है इसी तरह से वही काम यहां पे करें अब पीथ कंपोनेंट है ना तो जैसे यहां पे आईथ कंपोनेंट था तो ये जो पहला इंडेक्स है टेंसर का यहां पे देख ली आई है तो जो टेंसर है इसका पहला आपके पास जो इंडेक्स होगा ना वो पी होगा और यहां पे देख लें यहां जैसे जे और जे किया हुआ है या और किया किया हुआ है कोशिश किया करें कि जो इंडेक्स पहले यूज हो जाए दोबारा उसको इंट्रोड्यूस ना करें जैसे देख लें यहां पे पे मिशन है इसको के मत लिखिएगा ठीक है जी इसके अलावा यहां पर देख लें ये पी और क्यू भी यहां पर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें से भी यहां पे पी और पी या क्यू और क्यू मत लिखिएगा अब रह गया जी इसका क्यू कम्पट किया

फर्स्ट इंडेक्स है टेंसर का यहाँ पे जो क्यू आ रहा है यही वाला रीअरेंज किया हुआ देखें अब हमने देखना है क्या ये इस चीज का आइस कंपोनेंट बनता है कि नहीं ये जो चीज आ रही है ये सारी की सारी चीज ये पी क्यू है जो यहाँ पे लिखा हुआ है के आई यहाँ पे लिखा हुआ है टीपीएम यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है ए एम यहां पर लिखा हुआ है बी एन यहां पे लिखा हुआ है फिर देख लें एपसलन के पी क्यू यहां पर लिखा हुआ है टीके आई यहां पर लिखा हुआ है टीपीएम यहां पे लिखा हुआ है टी क्यू एन यहां पर लिखा हुआ है ए एम यहां पे लिखा हुआ है बी एन यहां पे लिखा हुआ है ये सारे का सारा जो है दिस होल थिंग ये सारे का सारा बनता है डिटर्मिनेट टेंसर टाइम्स एप्सलन आई एम एन इसकी डिटेल मैंने अभी ये देनी है यहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ है ये सारे का सारा एक्सक्लूडिंग ए एम बी एन ये सारे का सारा बनता है

क्योंकि दोनों का आयत कंपोनेंट सेम है और ये प्रूफ कंप्लीट हो गया लेकिन घबराना नहीं इसका मैंने अभी आपको समझाना है कि ये इसके बराबर कैसे आया ये इसके बराबर कैसे आया ये मैंने अभी आपको समझाना है ये लें जी ये चीज है आपके पास अच्छा जी अब ये जो चीज है अब आप कहेंगे जी ये क्या चीज आ गई है।, है तो भाई डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट और देखें ये बकायदा मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है

और ये देख लें फ्रॉम द लिनल जबरा अगर आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का तो फर्क नहीं पड़ता यानी कि यहां पे आपके पास है ये कॉलम बना हुआ है यहां पे आपके पास रो है ये column बना हुआ है यहां पे आपके पास रो है ये कॉलम बना हुआ है, है, है ये वाला डिटर्मिनेंट भी वही है ये वाला भी वही है यानी कि एक मैट्रिक्स देखिए मैं ये नहीं कह रहा इज इक्वल टू ट्रांसपोज डिटर्मिनट ऑफ इज इक्वल टू डिटर्मिनट ऑफ ए ट्रांसपोज और यहां पे एप्सलन आई जे के यू आई वीजे डब्ल्यू के ये लिखे हुए हैं यहां पे कर दिया पी क्यू आर यू पी वी क्यू डब्ल्यू आर ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं ये जरा समझा सकूं यहां पे पी क्यू नजर आ रहे हैं और यहां पे भी वो इंट्रोड्यूस किए गए अब जरा ध्यान से जितनी तवज्जो दे सकते हैं अब दें इस चीज को जरा ध्यान से देखें एप्सलन पी क्यू आर है यूपी है पी वेरी होता है वन टू थ्री और ये आपके पास पहला कॉलम आ जाता है यू वन यू टू यू थ्री Q होता है वन टू थ्री आपके पास दूसरा कॉलम आ जाता है वी वन वी टू वी थ्री आर वेरी होता है वन टू थ्री तीसरा कॉलम आता है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री ठीक हो गया जी एप्सलन पी क्यू आर और यहां पे यूपी है ठीक है जी इधर लिखा हुआ टीपीआई देखें यूपी को टीपीआई नहीं किया यूपी को रिप्लेस किया TPI. टीपीआई और कैसे फिर देख लें पहले यूपी को समझे यूपी को तो मैंने कहा था पी को वन टू थ्री करें ये बन जाएगा अब यहां पे एस पी को वन टू थ्री करें ये बन रहा है वन टू थ्री लेकिन साथ आई लगा हुआ तो आई 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 ठीक है जी इसी तरह से ये V क्यू है क्यू को वन टू थ्री करें वन टू थ्री यहां पे भी तो क्यू लगा हुआ है तो टू लेकिन साथ जे साहब है जे 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 उम्मीद है पता लग रहा होगा ना पता लगे दोबारा सुन लीजिएगा सिमिलरली अब ये डब्ल्यू आर साहब को देखें आर को वन टू थ्री करें तो ये देख लें वर्टिकली डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री या थर्ड कॉलम इसी तरह से यहां पे भी आर को वेरी करें वन टू थ्री तो वन टू थ्री लेकिन साथ के लगा हुआ के, के, के. है तो ये शक्ल इसके बराबर ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो इसके बराबर है लेकिन मजीद इसको ये लिखा हुआ है हाँ एक कंफ्यूजन पहले दूर कर लें ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप डिटर्मिनट ऑफ टेंसर कह रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई जे देखिए मकसद मेरा कोर्स को मुश्किल करना नहीं है मकसद मेरा आपको वो नोटेशंस बताना भी है जो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तौर पे यूज होती है चीज हुई होती है अगर डिटर्मिनट ऑफ टी आई जे है उसका भी मतलब यही बनता है अगर डिटर्मिनट ऑफ टेंसर है उसका मतलब ये बनता है, tensor, भी ये बनता है। और है ये मैं हालांकि इंडिकेट किया होगा ये, ये देख ठीक है अब तो मस्ता नहीं होगा यहां मैं मुझे नहीं पता था कि टिल्डा कैसे डालते हैं इसलिए मैंने ये बोल्ड करके टी लिखा हुआ है दिस इज डिटर्मिंट ऑफ टेंसर या यहां पे देख लें डिटर्मिट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स वही चीज है ये तो पता ही है ना अब देख लें ये वाली जो चीज तो है इसका तो नहीं कह सकते अब इसका भी नहीं पता और डिटर्मिनेंट जहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था टेंसर का तो वो भी देख लीजिएगा वो आपके पास जो था वो लेक्चर नंबर सिक्स था लेक्चर नंबर सिक्स था लेक्चर नंबर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था ठीक है जी लेक्चर नंबर सिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसके अलावा जो आपके पास लेक्चर सिक्स है उसके अंदर भी मौजूद था इसके अलावा जो लेक्चर नंबर सेवन है सेवन है उसकी स्लाइड थ्री भी देख लीजिएगा फिर सुन लें लेक्चर नंबर सेवन या सेवन है उसकी स्लाइड थ्री भी देख लीजिएगा तो जहां पे मतलब है कि हमने ये की का फॉर्मूला निकाला हुआ था एक चीज तो पहली चीज तो यह कि यहां पे देख लें ये वाली चीज तो मैंने आपको बता दी है कि यहां पर यूपी की जगह रिप्लेसमेंट कर दी टीपीआई तो ये वर्टिकल कॉलम की शक्ल शक्लियां बन गई वी की जगह आपने रिप्लेसमेंट कर दी टी सेकंड वर्टिकल कॉलम की शक्ल ये बन गई डब्ल्यू आर को रिप्लेस कर दिया टी आर कैसे तो ये बन गया ठीक हो गया ये इसके ये इसके बराबर है देखिए अब रटाई लगाना कि जी तो ऑफ 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 या साथ के आ गया टी तो यही चीज है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम ये तो वही है डिटर्मिनट तो वही है और जरा ये थोड़ा मैं एरोज बता दू ये वाली चीज जो है और ये वाली चीज वही है ठीक है अब ये इसके बराबर कैसे आया और ये समझ लिया आप ये जरूर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये साथ क्या चीज आ गई देखें पहली बात है आपको अल्टरनेट अल्टरनेटिक सिंबल का पता होना चाहिए और रिकॉल करें एप्सलन वन टू थ्री जब मैंने कहा था ये साइक्लिक ऑर्डर होता है तो इसकी वैल्यू वन होती है अब यहां पर आई को अगर वन कर दें तो यह आ जाएगा वन 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 ध्यान से देखें वन 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 यही है ना वन 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 जे को कर दें टू आ जाएगा टू 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 यही है ना टू 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 के को करते हैं थ्री आ जा जाएगा थ्री 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 यही है ना थ्री 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 डिटर्मिनट ही बन गया ना लेकिन आप कहेंगे जी एप्सिलॉन वो तो वन होता है वो तो वन होता है एक्जैक्टली डिटर्मिनट ही बन जाएगा ये टेंसर का अब आप कहेंगे जी वन टू थ्री का कर दिया बाकी देखें आपने सब पढ़ा हुआ है कि एप्सिलॉन वन टू थ्री वही होता है जो आपके पास जो है एप्सिलॉन थ्री वन टू होता है यानी कि ये वन टू थ्री थे ना थ्री को उठा के पीछे ले आए फिर उसके बाद जब थ्री वन टू है तो यहां पे टू को उठा के पीछे ले टू थ्री वन हो जाएगा ये तो आपने पढ़ा हुआ ना कि साइक्लिक ऑर्डर में वैल्यून वन टू थ्री हो या एप्सलन थ्री वन टू हो या एप्सलन टू थ्री वन हो ये सारे मैंने जुबानी बोलती है साइक्लिक ऑर्डर वाले वो तो सब वन होते हैं और कैसे वन होंगे चले जी आपने कहा जी ये सर आपने वन टू थ्री किया चलो ये तो वन हो, हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये तो सेंस बन जाती है और यही शक्ल बन जाती है लेकिन कुछ और करें ना थ्री वन टू करें इसको थ्री करें इसको मतलब है कि आप कर लें वन इसको टू देखें अगर इसको मैं कहता हूं जी इसको थ्री आपने करना है इसको वन करना है इसको टू तो यहां पे देख लें थ्री वन टू का क्या मतलब है वन टू थ्री तो ये था कि ये वन हो रहा है ये टू हो रहा है ये, है ये थ्री हो रहा है लेकिन अगर मैं कहता हूं जी थ्री वन टू देखें बहुत ऐसा बोल रहा हूं इसको मैं करता हूं थ्री इसको मैं करता हूं वन इसका टू इसका क्या मतलब है मतलब कि थ्री को उठा के मैं वही ले आऊ ना यूं देखें वन टू थ्री है थ्री को उठा के वहां ले मतलब कहने का है कि ये वाला जो आपका कॉलम है ये पहले उछल के इधर फिर उछल के इधर तो जब दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो नेगेटिव आता है फिर दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस यानी कि अगर आप कहते हैं जी कि इसको के को उठा के यहां ले तो इसका मतलब यही है कि ये जो आपके पास थर्ड कॉलम है इसको फर्स्ट कॉलम की जगह ले जाए तो पहले सेकंड की जगह जाएगा एक नेगेटिव साइन बार आ जाएगा फिर सेकंड से जब फर्स्ट पे जाएगा तो आपके पास नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे इस तरह से ये आपके पास जस्टिफाइड है आप कहेंगे अच्छा चलें सर अगर दो इंडीसी सेम हो जाए आप कहते हैं जी ये अल्टरनेटिंग सिंपल जीरो या था फिर कैसे करके देख लें आई और ये दोनों को वन वन कर लें ये देख लें ध्यान से सुने 1 1 1 इसको भी करें 1 1 1 ये भी t11 ये भी t11 ये भी t21 ये भी t21 ये भी t31 ये भी t31 दो कॉलम्स हो गए आइडेंटिकल तो आंसर हो गया डिटर्मिनेंट का जीरो हो गया अच्छा फिर अगर आप कहेंगे अच्छा सर अगर ये एंटी साइक्लिक बनता है जैसे आप कहते हैं जी एप्सलन वन टू थ्री लेकिन एप्सलन टू वन थ्री वो तो माइनस हो जाता है किसका माइनस एप्सलन टू वन थ्री हो जाएगा माइनस एप्सलन वन टू थ्री फिर सुन लें एप्सलन टू वन थ्री हो जाएगा माइनस एप्सलन वन टू थ्री तो बिल्कुल ठीक है देखें अगर इसको मैं लिखता हूं एप्सलन जे आई के नेगेटिव आएगा ना वो इस तरह से आता है जे आई के का मतलब अगर ये मुश्किल लग रहा है मैं फिर आसान करने लगा जे आई के का मतलब यही है कि आपने अब इन दोनों को इंटरचेंज किया है। मतलब है कि एक तरह से अगर ये वन था और मैं कहता हूं, अच्छा जी इसको वन कर लें तो इसका मतलब है कि जी जो सेकंड कॉलम है ये फर्स्ट पे आ रहा है फर्स्ट वाला सेकंड और दो कॉलम्स को तो इंटरचेंज करें तो नेगेटिव साइन आता है देखें ये भी मैंने सर बता दिया सिर्फ इतनी डिटेल से एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि ये चीज तंग ना करी एप्सलन आईजे के साथ कहां से आ गया ये ऑप्शन आई जे के साथ कहां से आ गया तो ये भी देख लें आपने जो फार्मूला किया हुआ था ध्यान से सुने आपने जो फार्मूला क्लास में किया हुआ था और मैं उसका रेफरेंस भी दे रहा हूं और उसका रेफरेंस बनता है स्लाइड थ्री लेक्चर सेवन या सेवन ए वहां भी जो फार्मूला था उसमें यहां पे आई जे के नहीं था वन टू थ्री था वो स्पेशल केस था इस फार्मूले का अगर यहां भी इसको वन टू थ्री कर दें तब तब होता है तो ये मैंने सारा आपको बता दिया तो अब यहां से ये नोट कर लें कि एप्सलन आई जे के टाइम्स डिटर्मिनट ऑफ द टेंसर या टाइम्स डिटर्मिनट ऑफ द ऑफ द टेंसर इसके बराबर है तो क्या यही फार्मूला यहां पर यूज हुआ है यही फार्मूला यहां पर यूज हुआ है कुछ और हुआ है यहां से देख लें। देखें पी पे समेशन है पी साहब भाग गए कोई नजर नहीं आ रहे क्यू पे समेशन है क्यू साहब भी नजर नहीं आ रहे हैं वो नस गए आर पे भी समेशन है वो भी गायब बच गया क्या आई जे के वो यहां पर नजर आ रहे

कि जी अब ये एप्सलन आई एम एन ए एम बी एन जो है ये आईथ कंपोनेंट ए क्रॉस बी का है आपने क्रॉस का फॉर्मूला समझना है उसमें देखना है कि जनरल तौर पे आईथ कंपोनेंट ए क्रॉस बी का क्या होता है वो यही होता है तो उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ आ गया होगा ये लेक्चर समझ आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तीन रिजल्ट हैं आगे जो आपके पास स्लाइडें आ रही है उनमें डायरेक्ट यूज हो रहे हैं और अगर आप रटा लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी अब इसका कौन रटा लगा सकता है खुद बताएं कोई लगा सकता है इसका रट्टा इसका रट्टा नहीं लग सकता इसलिए प्रूफ आना चाहिए हाँ डायरेक्ट ये वाली चीज इसके बराबर लिखनी है तो सिर्फ देख ले प्रूफ किया हुआ है तो जिंदाबाद नहीं किया हुआ तो समझें और अगर कोई आपको रटवाता है तो उसको कहेंगे सर प्लीज प्रूफ करवाएं उम्मीद है कि पता लग गया होगा तो आगे देखते हैं क्या है मेरा ख्याल है कि ये ए तो यहां तक तो बिल्कुल सही जी यहां पर सिर्फ कंटिन्यू है और नीला नीला पूछा जा रहा है कि कोई क्वेश्चन है ले जी इधर तो हैप्पी एंडिंग हो गई है तो ये आपका लेक्चर थर्टीन ए खत्म हो गया अब ताला मुलाकात होगी लेक्चर थर्टीन बी में अल्लाह हाफिज